In this lecture, we will talk about API score provisions according to UGC 2018 guidelines. As we all know that UGC brought out API linked selection and promotion of teachers and other academic staff through the UGC regulations 2010. जैसा कि विदित है कि UGC ने 2010 में टीचर्स की नियुक्ति व प्रमोशन हेतु API स्कोर को जोड़ा है. That's why it is quite important to know about it. If you belong to higher education, don't miss the full video. It will take you a few minutes only. इसलिए यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति व प्रमोशन हेतु UGC के API स्कोर के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं. Here we will describe the methodology for university and college teachers for calculating academic or research score. Even it is quite important for the research scholars and students who want to join higher education services. Most of the persons are not aware about API score provisions, how much they will gain API score for the paper presentation, and if they are two authors or more than two authors, then what's the provision for API score distribution? And if you are the author of any chapter in any edited book, then what about API score? Or if you are the editor of any book, then? So there are so many questions and doubts regarding API score for our research and academic work. Here, one by one, we will discuss the API of each and every aspect according to UGC 2018 गाइडलाइन. लोगों को प्रायः API स्कोर के विषय में कम ज्ञान है. पेपर प्रेजेंटेशन का कितना API स्कोर है या बुक के ऑथर का कितना API है. अगर ऑथर्स दो या दो से ज़्यादा हैं तो API का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा. इन आर डिस्कशन वी विल ऑल्सो पुट लाइट ऑन केयर लिस्ट जर्नल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पैक्ट फैक्टर फॉर API स्कोर. एज यू नो अर्लियर In UGC listed journal, impact factor of Thomson Reuters were counted for API score for RCAS. But now, a new name has taken its place. अपने इस लेक्चर में हम केयर लिस्टेड जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर से संबंधित API के रिगार्डिंग प्रोविजंस को भी समझेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि पहले UGC listed journal में थॉमसन रूटर्स के द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर होने पर ही इसका हमें API स्कोर में गुणात्मक लाभ मिलता था, अन्य नाम होने पर नहीं. अब इस थॉमसन रूटर्स की जगह कोई दूसरा नाम है, हम इसे भी जानेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पब्लिकेशंस अदर देन रिसर्च पेपर्स. हियर वी टेक बुक्स फर्स्ट. इफ यू आर द ऑथर ऑफ एनी बुक, अगर आप किसी बुक के ऑथर हैं. फॉर इंटरनेशनल पब्लिशर्स 12 API एंड फॉर नेशनल पब्लिशर्स 10 API एंड इफ़ यू आर द ऑथर ऑफ एनी चैप्टर इन एनी एडिटेड बुक देन 5 API. अगर आप किसी चैप्टर के ऑथर हैं किसी एडिटेड बुक में देन 5 API एंड इफ़ यू आर द एडिटर ऑफ एनी बुक बाय इंटरनेशनल पब्लिशर, अगर आप संपादक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बुक के देन 10 API एंड इफ़ यू आर द एडिटर ऑफ एनी बुक बाई नेशनल पब्लिशर, राष्ट्रीय स्तर पर किसी बुक के संपादक होने पर आपको 8 API स्कोर मिलेगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन वर्क्स इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज, इफ़ यू हैव ट्रांसलेटेड एनी चैप्टर और रिसर्च पेपर, अगर आपने कोई चैप्टर या रिसर्च पेपर को अनुवाद किया है देन 3 API एंड इफ़ यू हैव ट्रांसलेटेड एनी बुक, अगर आपने किसी बुक का ट्रांसलेशन किया है देन 8 API स्कोर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टू ऑथर्स, 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर. यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि अगर दो ऑथर हैं तो दोनों को जो टोटल API स्कोर है जो सिंगल का, उसका 70% ही मिलेगा. 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर. फॉर एग्जाम्पल If we talk about as if you are the author of any book at the national level, जैसे कि उसका 10 API है, then 70% of that is 7. अर्थात out of 10 दोनों को 7 7
मिलेगा अगर आप किसी बुक के ऑथर हैं, नेशनल पब्लिशर्स के द्वारा वो पब्लिश होती है तब। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोर देन टू ऑथर्स, अगर दो से अधिक ऑथर हैं, देन 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल और करस्पॉन्डिंग ऑथर, अर्थात जो फर्स्ट या प्रिंसिपल या करस्पॉन्डिंग ऑथर है उसको 70% मिलेगा, एंड बाकी जो ऑथर्स होंगे एंड 30% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑफ द ज्वाइंट ऑथर्स, बाकी लोगों को 30% टोटल का मिलेगा सबको। नाउ वी टॉक अबाउट आर क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोजी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। अब हम ICT के माध्यम से शिक्षण कला, कंटेंट डेवलपमेंट व इनोवेटिव कोर्सेज के निर्माण में API स्कोर को देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी, अगर आप कोई इनोवेटिव पेडागोजी का निर्माण करते हैं देन 5 API है, एंड डिजाइन ऑफ ए न्यू करिकुला एंड कोर्सेस, 2 पर करिकुला और कोर्सेस। अगर आप कोई नया करिकुला या कोर्सेस, पाठ्यक्रम या कोर्स को आप डिजाइन करते हैं देन 2 पर करिकुला और कोर्सेस API स्कोर मिलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस MOOCs। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द 4 क्वाड्रेंट। जो 4 क्वाड्रेंट का जो प्रयोग होता है MOOC में, फर्स्ट इफ वी टॉक दैट इज वीडियो, एंड सेकेंड ई कंटेंट। ई कंटेंट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, PDF फाइल एट्सेट्रा। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट क्विजिस, एंड फोर इज डिस्कशन फोरम। तो ऐसे करके जो MOOC कोर्सेज होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। तो हियर वी सी डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट MOOCs इन 4 क्वाड्रेंट। अगर आप किसी MOOC कोर्स का निर्माण करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, देन 20 API फॉर दैट। एंड MOOCs नेक्स्ट हम देखते हैं, MOOCs पर मॉड्यूल ऑब्लिक लेक्चर 5 API। अगर कोई मॉड्यूल या किसी लेक्चर का आप MOOCs में कंट्रीब्यूशन करते हैं, निर्माण करते हैं, देन पर मॉड्यूल 5 API। कंटेंट राइटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर ईच मॉड्यूल ऑफ MOOCs। अगर आप एज ए कंटेंट राइटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, देन फॉर ईच मॉड्यूल ऑफ MOOCs 2 API फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर द कोऑर्डिनेटर ऑफ एनी MOOC कोर्स, अगर आप किसी MOOC कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, देन देयर विल बी 8 API स्कोर फॉर दैट। उसके लिए आपको 8 API मिलता है। नाउ वी टॉक अबाउट ई कंटेंट। ही है डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट फॉर ए कम्प्लीट कोर्स और ई बुक। किसी ई बुक या कोई कम्प्लीट कोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, देन 12 API फॉर दैट। एंड ई कंटेंट पर मॉड्यूल अगर हम बात करें, देन 5 API फॉर दैट। एंड कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कम्प्लीट कोर्स ऑब्लिक पेपर और ई बुक एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं कम से कम किसी 1 क्वाड्रेंट का किसी कंप्लीट कोर्स में, पेपर में या ई बुक में, देन 2 API फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर द एडिटर ऑफ ई कंटेंट फॉर कंप्लीट कोर्स और पेपर और ई बुक, अगर आप संपादक हैं किसी ई कंटेंट के, कोर्स के, पेपर के या ई बुक के, देन देर इज 10 API फॉर दैट। उसके लिए 10 API स्कोर डिसाइडेड है। नाउ वी टॉक अबाउट रिसर्च गाइडेंस। हियर वी सी फर्स्ट PhD, इफ द PhD हैज़ बीन अवार्डेड टू द स्टूडेंट्स, अगर आपके अंडर में PhD अवार्ड हो गई है, देन 10 API फॉर दैट। एंड इफ द थीसिस हैज़ बीन सबमिटेड, देन 5 API फॉर दैट। एंड रिगार्डिंग MPhil एंड PG डिजर्टेशन फॉर रिसर्च गाइडेंस, 2 पर डिग्री अवार्डेड। अगर MPhil या PG डिजर्टेशन आपके अंडर में बच्चों ने की है और डिग्री अवार्ड हो गई है, देन 2 पर डिग्री अवार्डेड API है। नाउ लेट्स सी द रिसर्च प्रोजेक्ट, इफ मोर देन 10 लैक्स देन 10 API फॉर दैट, एंड लेस देन 10 लैक्स 5 API फॉर दैट। हियर वन थिंग इज़ टू बी नोटेड, इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिसर्च प्रोजेक्ट, देन 10 फॉर मोर देन 10 लैक्स एंड 5 फॉर लेस देन
10 लाख। अगर 10 लाख से अधिक का कोई रिसर्च आप प्रोजेक्ट आपने कर लिया तब 10, और अगर 10 लाख से कम का रिसर्च प्रोजेक्ट आपने पूरा किया है 10, 5। इफ़ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्टिल गोइंग ऑन देन मोर देन 10 लाख के लिए 5 API एंड लेस देन 10 लाख्स के लिए 2 API। नाउ वी टॉक अबाउट पेटेंट्स। इफ यू हैव एनी पेटेंट वर्क एट इंटरनेशनल लेवल 10 API फॉर दैट एंड एट द नेशनल लेवल 7 API। अगर आपके नाम पर कोई पेटेंट है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका 10 API का लाभ मिलेगा आपको और राष्ट्रीय स्तर पर 7 API का लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर किसी पॉलिसी पे आपने काम किया है एंड सबमिटेड टू एन इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, UNESCO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपने किसी पॉलिसी पे काम किया है जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे संस्थाएँ UNO, UNESCO, वर्ल्ड बैंक या मॉनिटरी फंड को आपने सबमिट की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आपने अगर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, देन इफ़ इट्स एट इंटरनेशनल लेवल देन 10 API फॉर दैट, एंड फॉर नेशनल लेवल देन 7 API फॉर दैट, एंड फॉर स्टेट 4 API। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10, राष्ट्रीय पर 7 एंड राज्य स्तरीय पर अगर पॉलिसी वो संबंधित है देन 4 API। इफ़ यू हैव गॉट एनी अवार्ड्स और फेलोशिप then for international level 7 API and for national level 5 API. Now we talk about some crucial aspect like invited lectures, resource person, paper presentation in seminar or conferences, full paper in conference proceedings. अगर आप इन सब में किसी भी activities में participate करते हैं like if you are delivering any invited lectures देन एज अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं एंड अब्रॉड देन 7 API फॉर दैट, एंड फॉर इंटरनेशनल विद इन द कंट्री 5 API फॉर दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वाइटेड लेक्चर्स, एंड फॉर नेशनल लेवल 3 एंड फॉर स्टेट और यूनिवर्सिटी 2। सो द सेम इफ यू आर वर्किंग एज ए रिसोर्स पर्सन, अगर आप कहीं रिसोर्स पर्सन के रूप में हैं इंटरनेशनल लेवल पर अब्रॉड में 7 एंड इंटरनेशनल विद इन द कंट्री 5 API एंड नेशनल 3 एंड स्टेट 2। एंड इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसिस, अगर हम बात करें पेपर प्रेजेंटेशन की किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंसिस में, देन इंटरनेशनल इन अब्रॉड 7 API एंड इंटरनेशनल विद इन द कंट्री 5 API। अर्थात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप विद इन द कंट्री अपने देश में ही पेपर प्रेजेंट करते हैं देन 5 API है, एंड राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर 3 API है पेपर प्रेजेंटेशन का, एंड राज्य या यूनिवर्सिटी लेवल पर उसका 2 API है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा इफ़ यू हैव नॉट प्रेजेंटेड योर पेपर इन एनी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिस देन केवल पार्टिसिपेशन का कोई API में लाभ नहीं मिलता है। इफ़ यू हैव टेकन पार्ट एंड प्रेजेंटेड योर पेपर देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ API स्कोर। अगर आपने किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंसिस में प्रतिभाग किया है और साथ ही साथ पेपर भी प्रस्तुत किया है तभी आपको उसका लाभ API में मिलेगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। अगर आपका पेपर प्रोसीड भी होता है द इंटरनेशनल अब्रॉड पे 7, इंटरनेशनल विद इन द कंट्री 5 एंड राष्ट्रीय स्तर पर 3 एंड स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 API होगा अगर आपका पेपर प्रोसीड होता है नेक्स्ट उसके लिए। Here we talk about the same as we have talked earlier. अगर 2 authors हैं then 70% of total value of publication for each author. अगर 2 author के लिए total का 70% मिलेगा, and more than 2 authors as we have talked earlier 70% of total value of publication for the first principal or corresponding author. फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर को 70% API टोटल का एंड 30% बाकी लोगों को API मिलता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है प्रत्येक इवेंट को और उनके जो API डिस्ट्रीब्यूशन जो उनको दिया जाएगा। नाउ इफ एक महत्वपूर्ण बात है इफ़ यू आर प्रेजेंटेड अ पेपर इन एनी सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो पब्लिश्ड एज फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स विल बी काउंटेड ओनली वंस। अगर आपने कहीं पेपर भी प्रेजेंट किया है और उसे पब्लिश भी कराया है उसकी प्रोसीडिंग में
तो आपको उसमें से केवल इसी किसी एक चीज़ का ही लाभ एपीआई में मिलेगा, दोनों का नहीं मिलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट रिसर्च पेपर्स। एज वी ऑल नो दैट बिफोर केयर लिस्ट जर्नल्स वी वर गोइंग फॉर द यूजीसी लिस्ट जर्नल। तो हियर जो प्रोविजन है पहले का वो बता रखा है कि रिसर्च पेपर्स इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट जर्नल्स फैकल्टी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिसिन वेटनरी एंड साइंसिस के लिए 8 पर पेपर एपीआई स्कोर था, एंड फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस ह्यूमैनिटीज आर्ट सोशल साइंसेस लाइब्रेरी एजुकेशन एट्सेट्रा इनके लिए 10 पर पेपर एपीआई स्कोर था। लेकिन जब से केयर लिस्ट जर्नल आ गए हैं 14 जून 2019 से, तब से केवल उसमें ही जो पेपर पब्लिश होगा उसका ही हमें एपीआई के रिगार्डिंग लाभ हम ले सकते हैं। अभी हम बात इसकी आगे करेंगे। हियर लेट्स सी इफ एनी पब्लिकेशन इन प्रीडेटरी ड्यूबियस जर्नल्स और पार्टिसिपेशन इन प्रीडेटरी कॉन्फ्रेंसिस शुड नॉट बी कंसिडर फॉर एकेडमिक क्रेडिट फॉर सेलेक्शन कन्फर्मेशन प्रमोशन परफॉर्मेंस अप्रेजल अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप और एकेडमिक डिग्रीज और क्रेडिट्स इन एनी फॉर्म विद इमीडिएट इफेक्ट, रिसर्च पब्लिकेशंस ओनली फ्रॉम जर्नल्स इंडेक्स्ड इन यूजीसी केयर लिस्टेड शुड बी यूज्ड फॉर ऑल एकेडमिक पर्पजेस। 14 जून 2019 को यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि जो जो हमारा पेपर पब्लिकेशन है अगर वो केयर लिस्टेड जर्नल में होगा तभी हम उसका लाभ सेलेक्शन में कंफर्मेशन में प्रमोशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल में अवार्ड और स्कॉलरशिप पाने में एट्सेट्रा में हम उसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात 14 जून 2019 से केयर लिस्टेड जर्नल में पेपर पब्लिश कराना आवश्यक हो गया, ना कि अन्य किसी जर्नल में। नाउ वी टॉक अबाउट द रिसर्च स्कोर फॉर रिसर्च पेपर्स। जैसे कि हम जानते हैं पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर टू बी डिटर्मिंड एज पर थॉम्सन ड्यूटर्स लिस्ट, जो उसमें था पहले थॉम्सन ड्यूटर्स के से जो इंडेक्स्ड थे जर्नल्स, हमें उन्हीं में एपीआई में गुणात्मक लाभ मिल पाता था। लेकिन नाउ थॉम्सन ड्यूटर्स का नाम बदल के नाउ इट्स नॉन एज क्लेरविस्ट एनालिटिक्स। अब ये नाम क्लेरविस्ट एनालिटिक्स है, अगर ये कोई जर्नल इससे इंडेक्स्ड है तभी हमें उसका एपीआई के रिगार्डिंग गुणात्मक लाभ मिल पाएगा। केयर लिस्टेड जर्नल 14 जून 2019 को आए तब से ही ये इमिडिएट इफेक्ट में आ गया कि केयर लिस्टेड जर्नल में ही पब्लिकेशन में हमें एपीआई का लाभ मिल पाएगा। अब हम इसके रिगार्डिंग जो इम्पैक्ट फैक्टर के रिगार्डिंग हम एपीआई स्कोर देखते हैं, पेपर इन रेफरीड जर्नल्स विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर, अगर कोई जर्नल ऐसा है जिसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है देन 5 पॉइंट फॉर दैट, एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1, अगर कोई जर्नल ऐसा है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 से कम है देन 10 पॉइंट फॉर दैट, एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 1 एंड 2, अगर किसी का जिसका जर्नल का अगर इम्पैक्ट फैक्टर 1 से 2 के बीच में है देन 15 पॉइंट फॉर दैट, एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 2 एंड 5, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का अगर 2 से 5 के बीच में है देन 20 पॉइंट फॉर दैट, एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 5 एंड 10, अगर आपका पेपर किसी ऐसे जर्नल में छपता है जिसका एपीआई 5 से 10 के बीच में है देन 25 पॉइंट्स फॉर दैट, एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर मोर देन 10, अगर कोई ऐसा जर्नल केयर लिस्टेड जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 से अधिक है देन 30 पॉइंट्स फॉर दैट, देन उसके लिए 30 एपीआई स्कोर का लाभ मिलेगा। वंस अगेन हियर एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, अगर दो ऑथर हैं देन 70% फॉर ईच ऑथर, एंड अगर मोर देन टू ऑथर्स हैं देन 70% जो होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर को मिलेगा एंड बाकी ऑथर्स को 30% मिलेगा। ये बात यहाँ पे भी लागू होती है। एंड वंस अगेन अगर पेपर प्रेजेंटेड भी किया है और उसे प्रोसीड भी किया आपने पब्लिकेशन के लिए तो किसी एक का ही आप एपीआई में लाभ ले पाएंगे और दोनों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हम किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में अगर हम पेपर प्रेजेंट करते हैं और फिर बाद में हम उसे पब्लिश भी कराते हैं तो हम दोनों में से किसी एक का ही बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों का एपीआई स्कोर में लाभ नहीं मिलता है। हियर वी टॉक अबाउट ज्वाइंट सुपरविजन ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स। अगर
The formula shall be 70% of total score of supervisor and co-supervisor. Supervisor and co-supervisor both shall get 7 marks each. अगर हम रिसर्च के रिगार्डिंग बात करते हैं रिसर्च सुपरविजन की, देन 70% सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर को मिलेगा ज्वाइंट सुपरविजन में दोनों को. एंड ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है ज्वाइंटली, देन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर वुड गेट 50% ईच. तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है एंड को इन्वेस्टिगेटर है दोनों को 50% टोटल एपीआई का मिलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And in my coming videos, we will talk about how to find out care-listed genuine and authentic journals of your disciplines easily, and what is the selection criteria of candidates in higher education according to UGC norms, and what are the UGC norms for promotions of faculties for securing the next level as per CAS, and etc. As you want, you can write in the comment box. आने वाले वीडियोज में हम इन मुख्य महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड थैंक यू. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू माई डीएस कॉलेज अलीगढ़. सबसे पहले मैं अपने कॉलेज धम समाज कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगा. एंड टू माई डॉक्टर जे पी सिंह एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ माई कॉलेज, एंड डॉक्टर गौरव राव सर एसोसिएट प्रोफेसर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस, डॉक्टर अमित गौतम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड IQAC कोऑर्डिनेटर दयाल बाग यूनिवर्सिटी आगरा, डॉक्टर धर्मेंद्र सरफाफ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी MP, एंड डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर DS कॉलेज अलीगढ़, एंड डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर DS कॉलेज अलीगढ़. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम. मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे मोटिवेट किया और समय समय पर मेरी सहायता भी की इन पॉइंट्स को समझने में. थैंक यू.